हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग बोलंग पे है, तो यहाँ पे आज पहला दिन हम लोग का शुरू होने वाला है, जो कि ये जो जोनल लेवल ट्रेटियस ओपन का कैंप पहला दिन होगा। पहला सुबह है, तो अभी हम लोग सब उठ चुका है, अभी एक्सरसाइज के लिए सब रेडी हो गया, बीपी एक्सरसाइज के लिए। तो अभी हम लोग बीपी एक्सरसाइज के लिए जाएंगे। तो गाइस, तब तक बने रहे, जुड़े रहे, चलिए आप सबको, हमारे जितने बच्चे आए हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से, सबको मिलाते हैं। तब तक गाइस बने रहे। तो ये है हम लोग का, और इस तरफ है हम लोग का हॉल। तो सब बीपी एक्सरसाइज के लिए रेडी हो चुका है, उठ गया सब के सब। ये हम लोग का गाइड फारती एंड यहाँ पे है स्काउट। तो यहाँ पे हम लोग का सार लोग इंस्ट्रक्शन देते हुए। तो अभी यहाँ से जाएंगे वार्म अप के लिए, फिर हम लोग बीपी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सब उड़ते हुए जा रहे पेट्रोल नंबर 3। पूरा हैंड्स हिलाने, सिर्फ वो मोर हिलाओ, आगे वाला को फॉलो करो। तो चलिए मैं भी ज्वाइन होता हूँ। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। तो सब लोग उड़ते हुए आ रहे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। देखिए बीपी एक्सरसाइज से हम लोग का दिन का शुरुआत। ये है बीपी एक्सरसाइज। तो ये है एंट्रेंस। वेलकम टू गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बोलंग टाउन। ब्रीथिंग आवर्स वगैरह दिया गया है। तो गाइड लोग अभी भी शुरू नहीं हुए, गाइड टीम लोग और हम लोग का। इसीलिए आस्ते आस्ते करके निकालना हमारा हेल्थ के लिए। 6 बीपी उसका 6 एक्सरसाइज किया। हाँ, बीपी का मतलब बर्डन पावर, बर्डन पावर का 6 एक्सरसाइज है हमारा हेल्थ से लेके। याद कर लो, ध्यान देना। इंट्रोडक्शन में बीपी से फर्स्ट एक्सरसाइज किस कारण में ये कर रहा है ना, कैसे के उसको बताएगा। और सेकंड में डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उसका लाभ है क्या है वो था बैक पार्ट ऑफ एंड लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, हमारा पीछे साइड का, ये साइड का, और जितना ये हमारा लोअर पार्ट है ना, ये का, ये सब का, उसी के लिए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5 को क्या जाता है। ये हमारा एंकल होगा, हील, और हमारा ये क्या है इसको, इसके लिए, और हमारा ये बैक, सब बैक बॉडी के लिए उसको लेग्जेबूट कराना है। तो अफ्तर बीपी 6 हम लोग का भी इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये लोग का जो ड्यूटी चार्ट दिया गया है वो लोग किस तरह किया है वहाँ पे गाइड लोग को भी चेक किया जा रहा है। तो हर एक पेट्रोल का चेक किया जाता है, अलग अलग काम दिया जाता है वो लोग को, ड्यूटी नंबर 1 से लेके ड्यूटी नंबर 4 तक। तो वही, तो अभी इसका का ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सब कर लिया। तो यहाँ पे भी है हम लोग का बियर पेट्रोल, राइनो पेट्रोल, देन उधर अभी भी जा रही है। तो उसका जो मेरा चेक करने वाला था वो यहाँ पे नोट्स है, इसमें मार्किंग किया जाता है कौन किस तरह से साफ सफाई किया गया है, तो उसे दिखाया जाता है। तो अभी भी जा रही है, 1-2 का चल रहा है अभी भी अफ्तर डेट हम लोग। तो आगे देख सकते हैं राइनो पेट्रोल, और ये वाला फॉक्स, ये है फॉक्स पेट्रोल, बियर पेट्रोल। तो आप लोग कौन सा पेट्रोल था? जेब्रा, ये है जेब्रा पेट्रोल। और नीचे पे हम लोग का गाइड लुक का हो रहा है, गाइड का भी इसी तरह पेट्रोल, 4 पेट्रोल में डिवाइड किया गया है। तो देख सकते हैं वो लोग का भी इंस्पेक्शन होगा, जो जो ड्यूटी दिया गया है उसको मैम लोग चेक किया जाएगा। आपको यहाँ पे 4 मैम को सिलेक्ट किया जाता है उन लोग को चेक करने के लिए। उन लोग को ड्यूटी चार्ट में जिस प्रकार से लिखा गया है उस प्रकार दिखाना पड़ता है करके। तो ओके, और यहाँ पे इतना खूबसूरत सा रोज पूल, पूल का गार्डनिंग देख सकते हैं। ये सेकेंडरी स्कूल
आपका बोलेंग में हो रहा है। बोलेंग का सेकेंडरी स्कूल है, बहुत ही बढ़िया से फूलों से सजाया गया है, फूल का गार्डनिंग किया गया है यहाँ पे, फ्लावर का सुंदर सा सजाया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का हॉर्स फॉर्मेशन करते हुए, तो हम लोग इस तरह करा किया जाता है, इसको हॉर्स कहा जाता है। आप जब ऊपर से आपका इसका वीडियो बनेगा तो आपको देखने मिलेगा, लेकिन मेरे पास उपाय नहीं, ड्रोन नहीं है, तो आप लोग को साइड साइड से मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार हॉर्स होता है एक्चुअली यहाँ पे, स्काउट एंड गाइड का अलग अलग होता है, लेकिन अभी प्लेग एक ही हम लोग के पास, इसलिए अभी हम लोग एक साथ कर रहे हैं। तो जब प्लेग अलग अलग होगा तो हम लोग इसको अलग अलग किया जाता है, स्काउट का अलग से, देन गाइड का अलग से। तो इस तरह होता है हॉर्स, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का प्लेग होस्टिंग होगा। स्काउट सेक्शन का यूनिफॉर्म एंड टर्न आउट को देखा था, हमारा यूनिफॉर्म और टर्न आउट ठीक है, पहली बार है तब भी थोड़ा ठीक ही है, और कल को हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा होगा और परसों को और बेटर होगा, तो ऐसे करते जाना है। आज के लिए थोड़ा कुछ ठीक ही है, तब भी खास हम लोग का यह करने का है, मॉडिफाई करने का है, जैसे किसी का ये बेल्ट नहीं है, बेल्ट किसी का नहीं, किसी का ये दूसरा बेल्ट पहन के है, किसी का कैप नहीं है, और किसी का सॉक्स को ये किया है, कलर ब्लैक नहीं है, किसी का शो अलग है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल। तो मेरा सा क्लीनलीनेस ना, आप लोग का साफ सफाई किस तरह किया है, ठीक है, स्काउट सेक्शन का ना, तो आप लोग ने अपना तरफ से कोशिश किया है, फिर भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है ना, बाकी बार ऑल ओवर तेजी है, और थोड़ा सा इम्प्रूव लाओ कल से, आज क्योंकि आप लोग का फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कल से आप लोग और बेहतर करेगा। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज शाम गैजेट डिस्प्ले को हम इंस्पेक्शन किया था, तो आप लोग एक भी नहीं बने हैं, आप लोग कल ये करके बना के हमको डिस्प्ले कर दें गैजेट को। आपका जो ओवरऑल ये है, इस बार ये फर्स्ट डे है, इसलिए हमने 40% का लिया था, 40% में से आप लोगों ने काफ़ी कोशिश की होगी, मगर कल जो है आपको ऑनर फ्लैग मिलने के लिए आपको कोशिश करना है, अच्छा से करना है। तो आज का जो ओवरऑल रिपोर्ट होता है, फोक्स पेट्रोल आप जो है बहुत अच्छा किया है, और ये कल भी जो है इससे और अच्छा कीजिए, आपका जो है 39% ये अच्छा हुआ, और कल जो है आपका 60% से हो जाए, ये होगा,
तो उसमें आपको और भी अच्छा करना है। सबसे कम यानी कि अपना ये जो है ये पेट्रोल को जो है शायद पेट्रोल डीलर कुछ भी ये अच्छी तरह से नहीं समझाया होगा, तो इसलिए आपका 30% आपने बहुत कम मिला, तो इसीलिए इसको भी जो है कल आप अच्छा मिलने के लिए जो सबसे ज़्यादा फॉक्स पेट्रोल ने 39% मिला उनको कम्पीट करने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोग एक दूसरे का ये को जो है कम्पीट कीजिए, कम्पीट करने के लिए कोशिश करो और कल अच्छा करना है उससे और परसों बेहतर करना। ठीक है, अभी गाइड सेक्शन का तरफ से आपको बात करते हैं, इंस्पेक्शन बता दीजिए, रिपोर्ट देंगे इंस्पेक्शन रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आज मैंने इंस्पेक्शन का यूनिफॉर्म और टर्न आउट करना, तो इसमें हमको मिला है लोटस पेट्रोल और डीजल दोनों का बहुत अच्छा यूनिफॉर्म भी होता है, बाकी और दो जैस्मिन और रोम थोड़ा सा ड्रेस में यूनिफॉर्म में सुधार करना होगा ना, और ड्रेस को इसे पैक की शाम को नहीं रखेगा, आयरन नहीं है ना, तो अच्छे से ये फोल्ड करके रखेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिंकल भी है आपका, कल से आज तो फर्स्ट डे था इसलिए कंसिडर कर दिया, और कल से कंसिडरेशन नहीं होगा, कल से कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट, गैजेट्स में जूता रखने का रैक, कार में रखने का रहेगा, उस तरह का चीज बनाना है आपको अपना से डस्टबिन। तो अभी पेट्रोल रिपोर्टिंग एंड ड्यूटी चेंज, बॉक्स पेट्रोल रिपोर्टिंग सर, आउट ऑफ 9 ऑल आर प्रेजेंट, गुड। बियर पेट्रोल 20 रुपए, बियर पेट्रोल सर्व डन, बियर पेट्रोल 20 रुपए, सैल्यूट। बियर पेट्रोल रिपोर्टिंग सर, ऑल आर प्रेजेंट 9 out of 9। Zebra Petrol, stop down. Bear Petrol, please run. Zebra Petrol, reporting sir. Out of 9, all are present. Very good. Then. आपका गवर्नमेंट का चीज ना, जैसे आपका स्कूल हो या पार्क हो, उसको आप तैयार करना है, प्रोटेक्ट करना है। आप जैसे देखो यहाँ पे कोई भी खिड़की नहीं है, जो खिड़की तोड़ते हैं उसको भी आपको बोलना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये हम लोग का भी है पब्लिक प्रॉपर्टीज, हमको खुद को प्रॉपर्टीज, हम लोग खुद टैक्स कर उसी का पैसा से हम लोग जो है इनडायरेक्टली हम लोग खुद बनाते हैं ना इसको अपना पैसा से, तो उसको प्रोटेक्ट करना है। बोला है कि हम लोग जो है लेफ्ट हैंड सेंटर इसलिए करते हैं हम लोग असंतुष्ट है, क्योंकि ये ब्रेक ना ब्रेक ए ब्रेक ए ब्रेक ब्रेक जो ब्रेक आदमी जो दूसरा ब्रेक आदमी को हम लोग जो है लेफ्ट से सेंटर करते हैं, जहाँ तक आदमी को लेफ्ट से सेंटर रिचेक नहीं करते, जो कॉमन आदमी को राइट से करेगा, मगर जो ब्रेक आदमी को हम भी खुद ब्रेक ऐसे होता है, जब दूसरा मेरा सामने कोई और ब्रेक आएगा तब वो लोग जो है क्या सेंटर करते हैं सब लोग यहाँ पे यहाँ पे नोटिंग सीख रहे हैं अपना अपना यहाँ पे एसटीए का यहाँ पे लेते हुए सिग्नेचर ले, तो आप देख सकते हैं हम लोग एक पहाड़ का एक गड्ढा में है बोलने से होगा, मिथिल में आप देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, उधर देखो पहाड़, इस तरफ देखो पहाड़, उधर भी देखो पहाड़, इधर भी देखो पहाड़, तभी हम लोग क्या है एक गड्ढा में है। तो क्या करेगा अभी हम लोग ये बोलेंग का सेकेंडरी स्कूल में है, तो यहाँ पे सब लोग नोटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको बाद में डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, अच्छा सीखना पड़ेगा इससे, तो सिखा रहे सबको। तो मेरा सब्जेक्ट है बोलाइन, तो वहाँ पे मेरा हम लोग पिसारमेन सिखा रहे हैं, और यहाँ पे सिदबेन सिखा रहे हैं, और यहाँ पे सर जो रिपनोट सिखा रहा है सर, और बच्चे लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ये लोग सिग्नेचर करने का बना रहा है, और यहाँ में वीफिंग सिखा रहा है, और सर वहाँ में एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, तो देख सकते हैं, और वहाँ पे सब लोग सीखते हुए, तो गाइस बहुत ही मज़ेदार हो रहा है सबके लिए, ये प्रैक्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नोटिंग बहुत ज़रूरी है, आप हाइकिंग पे जाता है कहीं जंगल पे जाता है तो वहाँ पे कुछ कुछ बांधने के लिए बहुत काम ज़रूरी है, बांधने उनने के लिए, तो टेन उन बनाने के लिए, तो गाइस बहुत बढ़िया होता है, तो उसके लिए तो गाइस सब लोग
तैयारी कर रहे हैं, तो बाद में सिग्नेचर लेने का अगर सब लोग सीखेगा तभी उन लोग को सिग्नेचर मिलेगा, सिग्नेचर मिलेगा तो मार्किंग होगा, देन वो कुछ मार्क स्कोर कर पाए। तो गाइस तब तक बने रहे, जुड़े रहे।